कैसे हो आप सभी। रुपेश की रसोई में आप सभी का है स्वागत। तो आज जो है ना, मैं नॉर्मल थाली की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो हम रेगुलर खाते हैं, जो दाल रोटी सब्जी यही होता है और चावल हो जाते हैं। तो स्पेशल थाली नहीं है, जो हम रेगुलर खाते हैं वही आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है ना चावल चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कुकर ले रही हूँ, ये इसमें चावल बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल ले रखे थे और इनको 2 से 3 पानी से हमने धो के रख रखा था। तो सबसे पहले हम चावल यहाँ पर पकाने के लिए रख देंगे। ये जो है ना चावल 10 से 12 मिनट में पक के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास चावल थे, 2 गिलास पानी डाल के इसको रख देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक और इसमें 2 चम्मच तेल भी डाल दीजिएगा। अब इसको कवर कर देते हैं। अब इसको जो है ना हम ऑन कर देते हैं। ये बटन ऑन हो गया स्विच, और यहाँ पर ये ऑन है। जब ये पक जाएंगे तो ये अपने आप से बंद हो जाता है। अब दूसरी हम दाल की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना अरहर की दाल लिया है। अरहर की दाल हमने 1 कटोरी ली थी और इसको 6 से 7 मिनट हमने भिगा के रख दिया था। तो यहाँ पर हम पानी डालेंगे। पानी हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास के करीब। हम इसको जो है ना ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, तो 1.5 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब यहाँ पर हमने 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च, जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया था हरी मिर्ची को, और यहाँ 1 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 1/2 चम्मच ये हम डालें, 1 चम्मच इसमें सौंफ, चुटकी भर हींग। सौंफ इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें देसी घी। तो यहाँ पर हमने सभी मसाले को डाल के तैयार कर दिया। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और इसको भी इसमें घुमा देंगे। अब इसमें हम जो है 2 सीटी लगा लेंगे। इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 2 सीटी लगा चुके हैं और इसको हमने ऐसे ही रहने दिया था। तो 2 सीटी लगाने के बाद दाल को अब हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रेशर है। तो जब भी आप कुकर से कभी भी ढक्कन खोलते हैं तो कैमरे पे उसका भाप आ जाता है। तो यहाँ पर जो दाल है हमारी जो है ना बनके तैयार है। ये देखिए, खड़ी खड़ी दाल बनी है और घुली भी नहीं है। हमें इसी तरीके की दाल चाहिए थी। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पर हमने तड़का पैन ले रखा है। इसमें हमने 1 चम्मच डाल दिया जीरा, और ये हम डालें 1 चम्मच इसमें सरसों, और 1 प्याज जिसको हमने बारीक काट के रख रखा था। इसको प्याज को हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज है देखिए हल्की सी भून गई है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। तो तड़का हमारा रेडी है। अब इसको हम दाल में डाल देते हैं। तो दाल भी हमारी रेडी हो गई है। तो अब इसको चमचे से साइड में जो हमारा तड़का लगा है इसको भी हम इसमें दाल में डाल के इसको घुमा के इसी में कर देते हैं। अब जो है ना हमारी दाल को तैयार है। अब यहाँ पर हमने दूसरी कढ़ाई ली है। तो यहाँ पर डालेंगे हम सरसों का तेल। तो यहाँ पर हम करेले बनाएंगे कटे हुए। तो यहाँ पर हमने डाल दिए 1.5 चम्मच सौंफ, और 1/2 किलो हमने करेले ले रखे थे जिसको हमने जो है ना बारीक बारीक काट लिया था छोटा छोटा। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल हम खाना बना रहे हैं। जो रेगुलर हम जिसको खाते हैं वही खाना आपसे शेयर कर रहे हैं। हम कोई भी मसाले इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। वही 2-3 मसाले जो हम रेगुलर खाते हैं उसी मसाले में हमको सब्जियां बना के बतानी है आपको। तो इसको जो है ना हम करेले को 5 से 6 मिनट भून लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे करेले हैं देखिए 5 से 6 मिनट भून चुके हैं। अब इसमें हम जो है ना प्याज डाल देते हैं। प्याज हमने इसमें 3 प्याज ले रखे थे, 1/2 किलो करेले थे। तो हमने यहाँ पर नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार, और इसको जो है ना
फिर से मिक्स कर देंगे नमक के साथ प्याज को। अब इसको हम 6 से 7 मिनट इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो है करेले का कलर चेंज हो गया है और इसको हमने काफ़ी अच्छे से भून लिया है। अभी इसमें हमने कोई मसाले नहीं डाले और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची का उपयोग हम नहीं कर देंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही कम मसालों को इस्तेमाल करके आपको ये सब्जी बता रहे हैं जो हम रेगुलर इन सब्जियों को खाते हैं। और ज़्यादा मसाला डालने से ज़रूरी नहीं है कि आपकी सब्ज़ी स्वाद बने, कम मसाले में सब्ज़ी अच्छी भी बनती है। तो हम जब कभी जैसे कोई फेस्टिवल्स होता है तो हम जो है ना ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं, वरना नॉर्मल हम ये गुने चुने 3-4 मसालों में हम सब्ज़ी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमारे चावल है ना ये भी बन के तैयार हो चुके हैं और ये अपने आप से बंद भी हो चुका है। तो हमारे खिले खिले चावल देखिए कितने बढ़िया बने हैं इसमें। और मुझे इसके चावल बहुत पसंद हैं, एक तो इतने लाइट होते हैं ये चावल, आप कितने भी खा लो बहुत ही हल्का हल्का पेट लगेगा कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो यहाँ चावल रेडी हैं, अब हम रोटियाँ बना लेते हैं। तो आटा हमने पहले ही लगा के रख दिया था तो यहाँ पर हम रोटियाँ सेक लेते हैं। तो हमने जो है ना छोटे छोटे लोइयाँ बना के और इस तरीके से हम गोल गोल रोटियाँ बना लेते हैं। रोटी आप बताना मुझे कि मेरी रोटियाँ कैसी बनती हैं कमेंट करके। अभी तो मैं आपको 1 से 2 रोटी सेक के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मेरा तवा गर्म था तो मैंने यहाँ पर रोटी डाल दी है और रोटी हमारी एक साइड से सेक चुकी है। आप इसको हम दूसरी साइड से सेक लेते हैं तवे को उतार के। तो लो जी हमारी रोटियाँ भी तैयार हो चुकी हैं और हमारी थाली जो नॉर्मल हम घर पे बनाते हैं वही थाली आपसे शेयर की है। तो रोटियाँ भी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अब यहाँ थाली लगा लेते हैं। ये हमारे चावल, ये दाल, करेले, रोटी और हमने यहाँ पर लिया है सलाद, प्याज और खीरा। बस यही हमारा, तो यही हमारा लंच है। और ये तो लंच हमारा बन के हो चुका है रेडी। और यहाँ पर हमने जो लड्डू बनाए थे वो भी हमने लड्डू रख दिए। अगर मेरी घर की थाली आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो और कमेंट करके बताइएगा हमारी थाली कैसी लगी।